सो ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का हमारा सेकेंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट ऑयस्टेड एंड एम्पियर्स रूल इन ऑर्डर टू गेट द वेरिफिकेशन कि क्या करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर सकता है या नहीं कर सकता है. उसके बाद हमने बायो सावर्ट्स लॉ के बारे में डिस्कशन करी कि कैसे एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता लगा सकते हैं किसी भी आर वेक्टर पे पी पॉइंट पर. एंड देन उसकी हमने एप्लीकेशन करी दो. पहली एप्लीकेशन जिसमें हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे पता लगाया मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कुलर कॉइल की वजह से, और दूसरी एप्लीकेशन हमने करी उसी सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे फ्रॉम द सेंटर, राइट, एक करंट कैरिंग रिंग के एक्सियल पॉइंट पे फ्रॉम द सेंटर हमने उसकी एप्लीकेशन करी. इस सेकेंड लेक्चर में हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की. फाइन. सो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हमें कंसीडर करना था एक एक्स वाई कंडक्टर जिसमें करंट आई चल रहा है, एंड हमें कैलकुलेट करना है पी पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ओ. एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने एक्स खींचा, तो एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है. फाइन. मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले रैंडम एक डीएल करंट एलिमेंट लिया, क्योंकि स्मॉल करंट एलिमेंट को ही फाइंड करना हमें सिखाया बायो सावर्ट्स लॉ ने. हाँ, लेटर ऑन हम उस स्मॉल करंट एलिमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट्स लॉ, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. मुझे आई की कोई चिंता नहीं है क्योंकि आई एक कॉन्स्टेंट करंट है जो इस कंडक्टर में फ्लो कर रहा है. म्यू नॉट बाय 4 पाई की कोई चिंता नहीं है. फाइन. बचा ये डीएल साइन थीटा एंड आर स्क्वायर. इस डीएल साइन थीटा एंड आर स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा विथ फ्यू थिंग्स जिनके बारे में हम जानते हैं. एक, कि इस पॉइंट से नीचे का वायर और इस पॉइंट से ऊपर का वायर एंगल डिपेंडेंट है, तो इस एंगल का यूज़ करना पड़ेगा हमें फाई. एंड दूसरी चीज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्स ओ हमें दिया हुआ है. सो ये जो डी एल करेंट एलिमेंट है ये एल लेंथ नीचे है फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ उससे एल लेंथ नीचे है. फाइन. सो इस एल के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टैन फाई इज इक्वल्स टू एल बाय एक्स, क्योंकि टैन फाई के लिए ये है एल परपेंडिकुलर एंड एक्स है बेस. सो एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एक्स टैन फाई. एल इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एक्स टैन फाई. नाउ हमें एल की रिक्वायरमेंट नहीं है बायो सावर्ट्स लॉ में, हमें डी एल की रिक्वायरमेंट है. तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू फाई. सो डी एल इज इक्वल्स टू एक्स सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, क्योंकि टैन फाई का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर फाई होता है. एक्स कॉन्स्टेंट है और डी फाई यहाँ आ गया. डी एल जैसे हमें मिला, जैसे हमें ये फर्स्ट चीज मिली डी एल, वैसे ही हमें साइन थीटा को और वैसे ही हमें आर को कन्वर्ट करना है. तो थीटा प्लस फाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, यहाँ अगर आप बात करेंगे तो ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो इस ट्राइंगल में थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 होता है. थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 अकॉर्डिंग टू व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी. सो फाई हमारे पास क्या हुआ 90 माइनस थीटा. फाई हमारे पास क्या हुआ 90 माइनस थीटा, और वी कुड से थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ हमारे पास 90 माइनस फाइव. थीटा हमने 90 माइनस फाइव लिख लिया. सो थीटा अगर 90 माइनस फाइव हुआ तो हमें चाहिए था बायो सावर्ट्स लॉ में साइन थीटा. तो हम दोनों जगह साइन का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाइव, राइट. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस फाइव राइट साइड आ जाएगा कॉस फाइव. ये हमारे पास हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, हमने साइन थीटा को भी फाई के टर्म्स में चेंज कर लिया. लास्ट रिक्वायरमेंट है आर के साथ. अब फाई एक्स और आर डील करेंगे बेस हाइपरटेन्यूस और कॉस के साथ, राइट. तो हम लिखेंगे कॉस फाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर बेस बाय हाइपरटेन्यूस. तो आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट एक्स सीकेंट फाई, क्योंकि कॉस फाई जब एक्स के साथ डिवाइड होने आएगा तो वो सीकेंट फाई होता है. थर्ड चीज़ भी हमें मिल गई, राइट. हमें यही सब चाहिए था. म्यू नॉट बाय 4 पाई की चिंता हमने छोड़ दी थी, आई की चिंता हमने पहले ही छोड़ दी थी क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट थे. डीएल का सॉल्यूशन मिल गया, साइन थीटा का सॉल्यूशन मिल गया,
आर का सॉल्यूशन मिल गया. अब इन सबको पुट कर देते हैं डी बी के अंदर और इंटीग्रेट करते हैं. सो डी बी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल की जगह एक्स सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई साइन थीटा की जगह कॉस फाई होल अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई खड़ा है एंड दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन. लेफ्ट साइड जो कि स्मॉल डी बी का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे 0 to b राइट विद नो मैग्नेटिक फील्ड. लेफ्ट साइड जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का विद नो मैग्नेटिक फील्ड टू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बी. एंड राइट साइड क्योंकि फाई ही चल रहा है डी फाई के टर्म्स में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फाई का आप यहाँ पर देखिए एंगल है फ्रॉम -51 to +52. तो हम यहाँ पर -51 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे +52. फाइन यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं. कुछ कुछ चीज़ें अंदर कैंसिल होते हुए दिखाई देंगी आपको और कुछ चीज़ें कॉन्स्टेंट है तो बाहर आते हुए दिखाई देंगी. सो लेफ्ट साइड आप डी बी का इंटीग्रेशन लिखेंगे बी और लिमिट सेट कर देंगे 0 to b. और राइट साइड आपने म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया. एक्स एक्स स्क्वायर से कटा तो खाली एक्स बाहर आ गया. सीकेंट स्क्वायर फाई को कैंसिल आउट कर गया तो -51 to 52 के अंदर बचा है आपके पास कॉस फाई डी फाई. बाकी या तो कैंसिल हो गया या कॉन्स्टेंट होकर बाहर आ गया. अब म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई. साइन फाई में लिमिट लगेंगी -51 to 52. लेफ्ट साइड में बी माइनस जीरो था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज बी. एंड यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स ब्रैकेट में साइन अपर लिमिट हो गया हमारे पास 52 माइनस साइन लोअर लिमिट हो गया साइन -51 म्यू नॉट बाय 4 पाई. सो बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन जो आया वो आया बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स ब्रैकेट में साइन 51 प्लस साइन 52. अब ये कमाल कैसे हुआ क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है. ऑड फंक्शन का मतलब पॉजिटिव इनपुट के साथ पॉजिटिव आंसर देता है बट नेगेटिव इनपुट के साथ नेगेटिव आंसर देता है. तो साइन -51 होता है -साइन 51 और माइनस बाहर आने की वजह से ये वाला माइनस हो गया प्लस. तो साइन 51 भी प्लस में और साइन 52 भी प्लस में. ये एक्सप्रेशन आपके पास एक कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड बी का है जो एक एक्स वाई कंडक्टर जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे आपने निकाला है पी पॉइंट पे. फाइन अब इसी की लेंथ जो होगी जैसे जैसे वेरी करेगी वैसे वैसे ये एंगल वेरी करेंगे. 51 एंड 52 वेरी करेंगे जैसे जैसे इसकी लेंथ वेरी करेगी. हम जितना लेंथ बढ़ाते जाएंगे 51 52 उतना बढ़ते जाएंगे और जितनी कम लेंथ करते जाएंगे 51 52 उतने घटते जाएंगे. फाइन तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास और इसके दो सब पार्ट्स हो गए या यूँ कह लीजिए कंडीशंस हो गई इसके लिए जिन कंडीशंस को अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करेंगे. अभी इस एक्सप्रेशन में हम वो कंडीशंस पुट करेंगे. चलिए उन कंडीशंस को देखते हैं. तो सबसे पहली एप्लीकेशन में देखिए आप सबसे पहली एप्लीकेशन में आपने बोला है कि एक्स वाई की लेंथ जो है वो इनफिनाइट हो चुकी है. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है वैसे वैसे एंगल बढ़ जाता है 51 और 52. इनफिनाइट होने से क्या होता है वो इतना बढ़ जाता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 90 हो जाता है. मैं एग्जैक्टली 90 तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली 90 कहने का मतलब हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा राइट. तो जो पैरेलल चीज़ें होती हैं वो कभी मिलती नहीं है लेकिन यस ये भी हमने पढ़ा है कि पैरेलल चीज़ें इन्फिनाइट पे मिलती हैं तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली 90 कह रहा हूँ 89.99999. हाउ मेनी टाइम्स यू वॉन्ट टू प्लेस 9 दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट येस अप्रॉक्सीमेटली 90. तो जब 51 एंड 52 दोनों ही 90 हो चुके हैं ऊपर वाले एंगल सो इस बी का एक्सप्रेशन आप क्या लिखना चाहेंगे. इस बी का एक्सप्रेशन हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय एक्स. ये एक्सप्रेशन क्यों हो जाएगा बिकॉज जब आप 51 और 52 दोनों को ही 90 पुट करेंगे
तो साइन 91, साइन 91, 1 प्लस 1, 2, तो वो ट्वाइस हो जाएगी बाहर वाली टर्म. बट अगर आप एक एंड पे, इफ द वायर इज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ बट पी इज नियर द एंड ऑफ एक्स, किसी एक एंड पे है पी पॉइंट, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और दूसरा एंड जो है वो इन्फिनाइट है, तो पहले वाला फाइव वन तो गायब ही हो जाएगा, राइट? एक एंगल तो गायब ही हो जाएगा, एक एंगल तो बचेगा ही नहीं, बस दूसरा ही 90 होगा. तो पहले वाला एंगल क्या होगा, वो तो कोइंसाइड करेगी लाइंस, जब कोइंसाइड करेंगी लाइंस तो उनके बीच में एंगल्स बनेगा जीरो. तो एक एंगल जीरो और दूसरा एंगल क्या बन जाएगा, 90. तो साइन जीरो इज जीरो, साइन 90 इज वन, वन प्लस जीरो वन, तो वन टाइम्स हो जाएगा ये सीधा. तो यही एक्सप्रेशन आपका लिखा जाएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय एक्स, ये फाइनल आपका एक्सप्रेशन रहेगा इस तरीके के इसमें. अब जो हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है किसी भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, उसकी डायरेक्शन हमें देता है राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल ने दिया था, या कॉर्कस्क्रू रूल, इन दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं. उसको पढ़ते हैं. सो इस कदर आप अपने राइट हैंड में होल्ड करते हैं उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करते हैं कुछ इस कदर कि आपके फिंगर्स जो कर्ल हो रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थंब जो आपका स्ट्रेट है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. सो अगर अपसाइड करंट जा रहा है तो आप इस कदर होल्ड करेंगे, तो यहाँ ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर से देखने में, राइट? एंटी क्लॉकवाइज. वेयर एज अगर आप बात करते हैं कि डाउनवर्ड्स करंट फ्लो कर रहा है तो आप कुछ इस कदर होल्ड करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ द करंट, तब जब आप ऊपर से अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, सो आपको दिखाई देगा वो क्लॉकवाइज. फाइन, ये होता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. कॉर्कस्क्रू रूल भी कुछ सेम ही होता है, इट्स जस्ट आप एक किस तरीके से एक पेज को टाइट कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आप उसको घुमा रहे हैं स्क्रू को, तो स्क्रू को जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है, और जिस डायरेक्शन में वो जो नट है या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसको आप टाइट कर रहे हैं वो जिस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है वो है करंट. फाइन, अब देखिए इसमें हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जब इन्फिनाइट लेंथ हुआ, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए हमने एक कंडीशन लगाई, एक एजम्पशन लगाई कि 90 डिग्री की, राइट? एक और तरीका है इसको निकालने का, उसको हम कहते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ. उसमें हमें कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, वो एकदम पक्का तरीका है, उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है. जैसे इसमें बायो सावर्ट्स लॉ हो तो इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कंडीशन लगानी पड़ी, एजम्पशन लगानी पड़ी, उसमें कोई एजम्पशन लगाने की जरूरत नहीं है. और उसकी आगे एप्लीकेशंस भी आएंगी, एम्पेयर सर्किट लॉ के तहत ही आप जाके टोरॉइड और सोलेनॉइड से डील कर पाएंगे. फाइन, तो एम्पेयर सर्किट लॉ सीखते हैं, उसकी एप्लीकेशन सीखते हैं. सो एम्पेयर सर्किट लॉ कहता है हमसे कि अगर एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लेट से, जो कि लाई कर रही है प्लेन ऑफ पेपर पे, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. और आई वुड लाइक टू से कि ये हो सकता है पेपर पे लाई ना कर रही हो, ये परपेंडिकुलर पास कर रही हो पेपर से, तो पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड आएंगी. और अगर पेपर पे लाई कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर परपेंडिकुलर हो जाएंगी पेपर के. फाइन, एंड लेट पी बी द पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, राइट? तो ये हमें अलाउ करता है एम्पेयर सर्किट लॉ कि हम लाइन इंटीग्रल लें मैग्नेटिक फील्ड का, और उस लाइन इंटीग्रल को इक्वेट करें म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एक्सियल, जो हमने एक रैंडम अपने हिसाब से एक बनाया है, राइट? जैसे आपने गॉसियन सरफेस बनाया था वैसे यहाँ पर हमने एक रैंडम एक लाइन इंटीग्रल लिया है सर्कुलर पाथ में आर रेडियस के अंदर. म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू इट विद इन इट, उसके हमें इक्वेट करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को. एक्सप्रेशन वाइज हम कैसे लिखते हैं देखते हैं. सो इसके तहत अगर हम बी को बाहर निकाल लें कॉन्स्टेंट समझ के, एंड डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो आएगा 2πr. फाइन, एंड म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, तो जिससे ये फॉर्मूला बन जाएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2πi बाय आर. नाउ इसी एक्सप्रेशन में अगर आप चाहें तो 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें, जिससे कि ये म्यू नॉट बाय 4πi हो जाएगा एंड 2i बाय आर हो जाएगा. सो अब आपको आई गेस याद आ गया होगा वो एक्सप्रेशन जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है इन्फिनाइट वायर के लिए, एम्पेयर सर्किट लॉ से हमने उसको निकाल लिया. और ये एम्पेयर सर्किट लॉ में कहीं पर भी कोई भी एजम्पशन नहीं है, सारी चीज़ें एकदम फिक्स हैं. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इस एक्सप्रेशन के थ्रू पता चले एम्पेयर सर्किट लॉ के थ्रू. सबसे पहली चीज़ कि इसके पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, राइट? सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक है ये मैग्नेटिक फील्ड्स, इनकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट देता है सर्कल के ऊपर,
एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर जो होता है वो करंट कैरिंग वायर होती है। टेंजेंट टू द लूप या नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होता है बी, जिसमें बी वेक्टर या तो नॉर्मल होगा या फिर बी जो होगा वो वैनिश कर जाएगा एज इन थोड़े डिस्टेंसेस बाद, उसको इतना इन्फिनेटली स्मॉल हो जाएगा इस आर के बढ़ते बढ़ते बी इन्फिनेटली स्मॉल हो जाएगा एक समय बाद। फाइन, नेक्स्ट अब हम एक सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें पूरे के पूरे सिलेंड्रिकल वॉल्यूम से पूरा का पूरा पास ऑन कर रहा है करंट, उसके थ्रू हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसकी बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास पी जब आउटसाइड है, पी पॉइंट उस सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, पी पॉइंट जो आउटसाइड द कंडक्टर अगर होगा तो टोटल करंट इंक्लोज बाय दैट लूप जो हमने एक इमेजिनरी लूप बनाई है, राइट, उसके अंदर टोटल करंट आई होगा क्योंकि हमने माना है लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू द सिलेंडर, तो टोटल करंट आई होगा। इसका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम निकल आएगा। सो यहाँ हम करेंगे बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू मी नॉट टाइम्स ऑफ आई, जिसमें बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा एंड डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πr एंड यहाँ मी नॉट टाइम्स आई हो जाएगा विच इज़ बी इज इक्वल्स टू मी नॉट आई मी नॉट बाई 2πi बाई आर। ऐसा भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज बी इज इक्वल्स टू मी नॉट बाय 4πi 2i बाई आर। एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन निकल गया यहाँ पर जैसे पहले निकला था। बट अब बात है कि पॉइंट अगर ग्रेटर देन आर है या पॉइंट अगर इक्वल टू आर है, लेट्स से इक्वल टू आर और ग्रेटर देन आर, वहाँ तक तो चल जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। बट जैसे ही पॉइंट लेस देन आर होगा, पॉइंट पी जो है वो इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर आ जाएगा, तो उसमें फिर करंट जो होगा उस लूप को जो मैं एक इमेजिनरी लूप बनाऊंगा उसमें से करंट थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि टोटल आई करंट तो पूरे के पूरे सिलेंडर में से पास कर रहा है। लूप अगर रेडियस जो है उसका सिलेंडर का रेडियस से छोटा हो जाता है तो उसके अंदर से पास करने वाला करंट तो कम हो जाएगा, राइट। तो उस एक्सप्रेशन को देखते हैं एंड देन उसके ग्राफ को देखेंगे फाइनली, इस पूरे क्वेश्चन के ग्राफ को। फाइन, सो जैसे ही पी इनसाइड द सिलेंड्रिकल आ जाएगा तो हमारे पास आई का एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ जाएगा। पाई आर स्क्वायर जब एरिया था, पूरा का पूरा रेडियस यूज़ हो रहा था तब आई ट्रैवल कर रहा था, तो यूनिट एरिया से कितना ट्रैवल करेगा, आई बाय पाई आर स्क्वायर एंड पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया से ट्रैवल करेगा, दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आई बाय पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास जो करंट हमारे लूप में से ट्रैवल कर रहा है वो है आई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर जहाँ पर रेडियस ऑफ द सिलेंडर है एंड स्मॉल आर जो है वो पी पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। ये करंट है जो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम पाई आर स्क्वायर। अब एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट टाइम्स ऑफ आई डैश। ये आई डैश जो है यहाँ पर वो चेंजेबल करंट है, वो पूरा टोटल आई करंट नहीं है सिलेंडर में से जो पास कर रहा था, इसलिए इसको हमने आई डैश मेंशन किया है। एम्पियर सर्किटल लॉ यही है हमारा, ये एक्सप्रेशन हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इस एक्सप्रेशन में बी कॉन्स्टेंट बाहर, डी एल का इंटीग्रेशन जो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विच इज़ 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई डैश विच इज़ आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नाउ ये आर इस आर को कैंसिल करेगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई आर बाय आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई आर बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर बी के एक्सप्रेशन में हमें सब कुछ कॉन्स्टेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बी का एक्सप्रेशन जो आया है हमारे पास बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई आर बाय आर स्क्वायर में सब कुछ कॉन्स्टेंट है, बी भी कॉन्स्टेंट है, सॉरी म्यू नॉट बाय 4 पाई भी कॉन्स्टेंट है, 2 भी कॉन्स्टेंट है, आई भी कॉन्स्टेंट है और ये कैपिटल आर भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि सिलेंडर का हमने जो रेडियस है वो फिक्स कर रखा है। तो इस एक्सप्रेशन में सब कुछ कॉन्स्टेंट है एक्सेप्ट स्मॉल आर। एग्जैक्टली ये सिलेंडर के पॉइंट कितनी इनसाइड तक चला जा चुका है उस पर डिपेंड करेगा स्मॉल आर। सो ये स्मॉल आर के साथ बी का जो एक्सप्रेशन है वो है दैट बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जब तक ये आर बढ़ता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी अप टू सर्टेन लिमिट, एक टाइम पे जाके कॉन्स्टेंट हो जाएगी जब ये आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आर आर कैंसिल होके स्मॉल आर कैपिटल आर बचेगा नीचे एंड देन उसके बाद ये फिक्स रहेगी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलने लगेगी। फिर अगर रेडियस बढ़ाएंगे तो ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। फाइन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ए पॉइंट में निकाला था, तो इसका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा।
ये है इसका ग्राफ फाइनली, जिसमें आप देख पा रहे होंगे पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अप टू स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, एंड देन उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, जो पिछला एक्सप्रेशन हमने ए पॉइंट में निकाला था। फाइन, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ हमने लगाया है मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, लाइक सिलेंड्रिकल फॉर्म में करंट जो एक सिलेंडर से पास ऑन कर रहा है उसके थ्रू। अब इनकी एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग टोरॉइड और सोलेनोइड पे। एम्पियर सर्कुलर लॉ के हेल्प से हम टोरॉइड और सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड को निकालना सीखेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट सोलेनोइड, सोलेनोइड पहली बात तो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं जो वाउंडेड होती हैं क्लोजली टर्न्स विद इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स शेप। फाइन, जहाँ पर ये हेलिक्सल शेप में लेंथ जो होती है इसकी वो विद कंपेरिजन टू इट्स रेडियस बहुत ज़्यादा होती है, एंड इस शेप में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट को रिप्रेजेंट करती है कि इनसाइड द सोलेनोइड, बार मैग्नेट में जैसे पैरेलल एंड यूनिफॉर्म होती है वैसे ही इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल एंड यूनिफॉर्म होती है। फाइन, इक्वली स्पेस जो होती है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें सोलेनोइड में एक रैंडम पहले तो लूप लेना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर लिया ए बी सी डी। सो हमें बी डॉट डी एल एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है इस लूप के अंदर। तो इसमें मुझे चार पार्ट्स दिख रहे हैं, एक ए टू बी, एक बी टू सी, एक सी टू डी, एंड देन वापस डी टू ए। फाइन, ये हमारे पास चार लूप्स हैं। सबसे पहला लूप है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ए टू बी, सो बी डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रल हमें करना है क्रॉस ए टू बी। फाइन, ये हमारे पास पहला है फर्स्ट पॉइंट विच इज़ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। इसके अंदर बी हमारे पास, बी जो है लेट्स से कॉन्स्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट ये ए बी जो है वो इनसाइड द सोलेनोइड है, एंड डी एल का इंडिकेशन मान लेते हैं कि लेंथ एल है, ए बी के लूप की लेंथ क्या है एल। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, अब टोटल करंट क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, एन है लेट्स से, तो एन इंटू आई, एन इंटू आई, जिसमें बी को यहीं रखा और म्यू नॉट एन आई बाय एल लिख दिया, जिसको हम म्यू नॉट एन आई भी कह सकते हैं, जिसमें स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ए टू बी का एम्पियर सर्कुलर लॉ का। सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड एंड थर्ड, या फिर यूं कहूँ सेकेंड एंड फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये एक साथ हो जाएंगे, सेकेंड एंड फोर्थ। सेकेंड एंड फोर्थ का मतलब क्या है हमारे से, बी टू सी एंड डी टू ए। बी टू सी एंड डी टू ए दोनों में क्लोज इंटीग्रल जब हम करेंगे बी डॉट डी एल को और इक्वल टू रखेंगे म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और लेंथ डी एल का वेक्टर इस डायरेक्शन में है, राइट। इसमें अपसाइड है और इसमें डाउट साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, और ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट डी एल के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए कॉस 90 यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ ज़ीरो। तो इनके दोनों के ही केस में बी का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो, बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये रीज़न रहेगा सेकेंड एंड फोर्थ में। एंड लास्ट अगर हमारे पास है थर्ड, तो थर्ड केस जो था वो था सी टू डी का। सी टू डी में जब आप बी डॉट डी एल करने जाएंगे इक्वल टू मी नॉट आई करेंगे तो यहाँ पर बी जो है वो ज़ीरो निकलेगा, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो निकलने का मतलब क्या है, बिकॉज इसमें आई ही ज़ीरो है। अगर आप इस लूप में देखेंगे सो हमारे पास लूप के अक्रॉस इज इक्वल टू मी नॉट टाइम्स ऑफ आई में करंट होना चाहिए, तो इस वाले लूप में यहाँ पर इस लेंथ में तो कोई करंट ही नहीं है, सारा करंट तो सोलेनोइड के अंदर है, बाहर की साइड तो कोई करंट ही नहीं है क्योंकि ये जो डी सी वाला लेंथ है वो आउटसाइड पड़ रहा है। फाइन, ये तो हमारे पास चार ऑप्शन थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, हमने चारों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया ए बी सी डी लूप में, हमने ए बी को अलग, बी सी को अलग, सी डी को अलग, डी ए को अलग, सबकी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी, जिसमें हमारे पास सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो निकली है
विद ऑफ कॉस डिफरेंट रीजंस. पहले वाले का रीज़न है कि कॉस 90 है और दूसरे वाले का रीज़न है कि उसके अंदर आई नहीं है. तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए टू बी का मैग्नेटिक फील्ड निकला है, तो चारों का ऐड होके इसी का लौता हो जाएगा. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो देखते हैं. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इन दी सॉलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई हुआ. ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड है इन द सॉलेनॉइड. स्टार मार्कर पॉइंट है हमारे पास एक दैट एट द एंड ऑफ द सॉलेनॉइड जो होता है, एट द एंड ऑफ द सॉलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड से हाफ हो जाती है. सो एट द एंड बी विल बी म्यू नॉट एन आई बाय टू. ये हो जाता है एट द एंड ऑफ द सॉलेनॉइड, जहाँ पर सॉलेनॉइड ख़त्म हो रहा होता है. लास्ट वाली लूप की बात कर रहे हैं हम लोग, इधर की और इधर की, राइट. लेकिन इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना हमें मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर सीखना होगा. मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जहाँ पर हम सॉलेनॉइड को बार मैग्नेट के थ्रू प्रूव करेंगे उसका एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन के थ्रू हमें ये एट द एंड वाला सीखा जा सकता है. हमें यहाँ पर इसका काम नहीं है एट द एंड वाले के एक्सप्रेशन को डिराइव करना. ये दो चीज़ों को अगर देख लिया हमने तो हम सीधा सॉलेनॉइड के ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें बताया हुआ है कि आखिर कैसे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. सो ये है हमारे पास एक ग्राफ जिसमें आप देखेंगे कि एट द एंड जो है वो हाफ हो गया है मैग्नेटिक फील्ड इन कंपैरिजन टू इनसाइड. तो इनसाइड यूनिफॉर्म है. कब तक यूनिफॉर्म है? जब तक हम एंड पे नहीं पहुंच जाते हैं. डिस्टेंसेस जो है सेंटर से एंड पे पहुंच नहीं जाते हैं. जैसे ही एंड पे पहुंचे वो हाफ हो गया, राइट. ये हमारे पास एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द सॉलेनॉइड, ये एट द एंड, और ये हमारे पास ग्राफ है उसका वेरिएशन है रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस. एंड अब हमें डिस्कस करना है टोरॉइड को. सॉलेनॉइड और टोरॉइड में कुछ खास अंतर नहीं है. इट्स जस्ट ये एक लेंथ के अक्रॉस सर्कुलर रिंग्स थी, और इसी को आप सोचिए एंड से आपने जोड़ दिया और सर्कुलर फॉर्म में रख दिया. सर्कुलर फॉर्म में रखने से वो टोरॉइड बन जाता है. टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करते हैं. एग्जैक्टली एम्पियर सर्क्यूलर लॉ के थ्रू ही निकालेंगे हम टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड भी. सो देखिए ये सॉलेनॉइड था जिसको आपने सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. इस टोरॉइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए भी हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं. तीन पॉइंट्स पे हमें एम्पियर सर्क्यूलर लॉ लगाना है. पहला पॉइंट ये है इनसाइड द टोरॉइड. इनसाइड द टोरॉइड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है एम्पियर सर्क्यूलर लॉ से. आउटसाइड द टोरॉइड भी कैलकुलेट करना है, फाइन. और एक होता है इन बिटवीन टोरॉइड. तो तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास. फर्स्ट पॉइंट आर वन के लिए, सेकेंड पॉइंट आर टू के लिए, एंड थर्ड पॉइंट आर थ्री के लिए. सो इसके लिए सीधा आंसर है फॉर फर्स्ट एंड थर्ड. जब आप एम्पियर सर्क्यूलर लॉ लगाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड मतलब आर वन और आर थ्री के लिए, बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू मी नॉट विच इज इक्वल्स टू मी नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, दोनों के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड फाइनली जीरो निकलेगी, फाइन, बिकॉज ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो. इस दौरान इस लूप के अंदर हमें कोई करंट नहीं मिलेगा, दोनों के लिए ही जीरो निकली. वेयर एज अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट आर टू के लिए, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है. सो फॉर सेकेंड पॉइंट एट आर टू इन बिटवीन द टोरॉइड, उसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकाली जा सकती है बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू मी नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट, राइट, जिसको हम एक्सप्रेशन वाइज बी कॉन्स्टेंट है बाहर लिख लेंगे. डी एल का इंटीग्रेशन टू पाई आर टू हो जाएगा, राइट. डी एल वैक्टर और बी वैक्टर यहाँ पर पैरल हैं. टेंजेंशियल ही बी वैक्टर है, टेंजेंशियल ही डी एल वैक्टर है सर्कुलर लूप का, तो इसलिए वो कॉस जीरो हो जाएगा वन. एंड म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल आई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे लेट्स से एन, तो एन इंटू आई लिखना पड़ेगा हमें. एंड इसमें बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन बाय टू पाई आर टू मल्टीप्लाइड बाय आई टू आई. सो बेसिकली ये जो चीज़ है नंबर ऑफ टर्न्स, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो एन है, लेकिन अपॉन में जो टू पाई आर टू है ये जो है वो एक तरह से लेंथ है, राइट, लेंथ ऑफ द सॉलेनॉइड. देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ.
सो बेसिकली फिर दोबारा हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो तीनों को ऐड करके निकलेगा एंड जीरो प्लस जीरो प्लस म्यू नॉट एन आई विल बी म्यू नॉट एन आई। तो टोरॉइड का भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकला फाइनली नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड वो म्यू नॉट एन आई ही निकला तीनों पॉइंट्स को जोड़ने के बावजूद सोलनॉइड जैसे एग्जैक्टली सेम। ये थे टोरॉइड और सोलनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस जिसको हमने डेराइव करा यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ, ये उनकी एप्लीकेशंस का पार्ट था। इस क्लास में हमने सीखा अबाउट द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, देन उसके बाद हमने एम्पेयर सर्किट लॉ सीखा एंड देन उसके बाद हमने सोलनॉइड एंड टोरॉइड पे उस एम्पेयर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन को किया। तो जितना भी हमने सीखा उसके न्यूमेरिकल्स एक बार ट्राई कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाए इस टॉपिक में पूरी तरीके से, और फिर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम कर पाए राइट। इस नॉलेज को अप्लाई कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सो यहाँ पर हमारे पास पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, फिर एम्पेयर सर्किट लॉ और उसके एप्लीकेशंस के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2a कैरिंग करंट I एज शोन। सो ये हमारे पास एक स्क्वायर के फॉर्म में है फाइन, और जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है राइट हैंड थंब रूल से, तो यहाँ पर इसके अक्रॉस अगर हम थंब को रखेंगे और फिंगर्स को कर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि फिंगर्स इनटू द पेज जा रही हैं राइट। इनटू द पेज क्रॉस से शो होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि क्रॉस से मतलब इनटू द पेज परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, एंड यही चीज़ यहाँ पर भी होगी क्रॉस से, यही चीज़ इससे भी होगी, यही चीज़ कॉन्ट्रीब्यूट इससे भी होगी। तो ऐसे क्रॉस वाले चार कॉन्ट्रीब्यूशन है राइट, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका, ऐसे चार कॉन्ट्रीब्यूशन है, चारों को ऐड करना है। एंड फॉर्चुनेटली करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, एंगल्स सब कुछ सेम है, तो क्यों ना हम एक का एक्सप्रेशन निकालें और बाकियों को ऐड कर दें राइट। सो एडी के अक्रॉस यहाँ पर हमारे पास बना हुआ है एक फिगर, रैंडम फिगर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि ए है फ्रॉम द सेंटर एंड 45 डिग्री के दोनों एंगल्स हैं, और हमारे पास एक्सप्रेशन था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एक्स ब्रैकेट में साइन फाइ वन प्लस साइन फाइ टू। इस एक्सप्रेशन को हम लगा रहे हैं अक्रॉस ए डी, सो बी जो आएगा वो क्या आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री राइट। एग्जैक्टली 45 क्यों, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर इंट्रैक्ट करते हैं, तो 45 डिग्री क्योंकि मिड पॉइंट से हमने देखा है। और ए क्यों, क्योंकि अगर ये पूरा डिस्टेंस ए है, साइड जो है वो 2a है, सॉरी ये पूरा जो है 2a है अगर, तो इसका जस्ट हाफ क्या होगा ए। सो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू 2 बाय रूट 2, क्योंकि साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 2 बाय रूट 2। ये हमारे पास बी का एक्सप्रेशन है। बी नेट कैसे निकालेंगे हम, बी नेट विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ बी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये 4 वायर्स हैं जो सेम कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं, एक का निकाल लिया तो उसको 4 टाइम्स कर देते हैं विच इज 8। सो बी नेट है हमारे पास 8 म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू रूट 2 बाय 2। सो बेसिकली रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 2 हो गया, तो ये 8 कट गया, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई। सो फाइनली हमारे पास बी नेट का एक्सप्रेशन क्या आ गया म्यू नॉट बाय पाई आई रूट 2 बाय ए, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आया है इस क्वेश्चन के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंडक्टर जिसको बेंड किया गया है फिगर में सर्कुलर फॉर्म में एंड देन उसके बाद वापस से स्ट्रेट कर दिया गया है। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। अब इसमें दो तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लग रही है हमारे पास, एक तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू और एक सर्कुलर कॉइल के थ्रू। तो जो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू है उसकी डायरेक्शन निकलेगी मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल से, जिसके अकॉर्डिंगली इसके अक्रॉस अगर थंब रखें तो फिंगर्स यहाँ से कर्ल होते हुए आउट ऑफ द पेज निकलेंगी। आउट ऑफ द पेज मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो डॉट निकलेगा अक्रॉस दी विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। वेयर एज अगर हम बात करें कि सर्कुलर कॉइल के थ्रू राइट, सर्कुलर कॉइल के थ्रू
राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल, जिसमें करंट के अक्रॉस हम कर्ल करते हैं और करंट के अक्रॉस हम कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को ऐसे, और थंब सेंटर पे हमारे को देगा इनटू द पेज। तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे ये क्रॉस है, तो इनटू द पेज ले जा रहा है सेंटर पे सर्कुलर कॉइल, आउट ऑफ द पेज ले जा रहा है सेंटर पे मतलब उस पॉइंट पे दैट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। बट इस एक्सप्रेशन में कौन जीतेगा, आउट ऑफ द पेज जीतेगा या इनटू द पेज, उसमें से दूसरे को माइनस करना है। तो पहले दोनों का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, फिर देखेंगे कि किस में से किसको माइनस करना है। तो सबसे पहले डॉट वाले के लिए, क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर जो आउट ऑफ द पेज निकल रहा है वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय r। तो उस कंडक्टर से इस s पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने, क्योंकि ये टेंजेंट है, एक टेंजेंट से रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे मैंने निकाल दिया ये एक्सप्रेशन, राइट। ये आउट ऑफ द पेज है, ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स ये हमारे पास एक्सप्रेशन है आउट ऑफ द पेज वाले का। एंड अगर इन टू द पेज वाले की बात करेंगे तो उसका एक्सप्रेशन है म्यू नॉट आई बाय 2r। लास्ट टाइम निकाला था ये हमने म्यू नॉट आई बाय 2r, एक सर्कुलर कॉइल का होता है एक्सप्रेशन जिसमें इन टू द पेज है ये। तो ये वाला है परपेंडिकुलरली इन टू द पेज। सो हमें कौन सा ऐसा फिगर है या कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके लिए हमें बहुत हद तक चीज़ों को यहाँ पर मोल्ड करना पड़ेगा सेकेंड एक्सप्रेशन में, राइट। तो सेकेंड एक्सप्रेशन को हम थोड़ा मोल्ड करके लिख लेते हैं, जिसमें हमने पाई दिखाने के लिए नीचे पाई मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और फोर दिखाने के लिए नीचे टू मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। सो वही म्यू नॉट बाय 4 पाई के साथ यहाँ पर खाली आई बाय आर है, इनटू में 2 है, वही म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर के साथ यहाँ 2 की जगह 2 पाई है। मतलब ये इस म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर का ट्वाइस है और ये इस म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर का 2 पाई टाइम्स है, विच इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस। देयर वो क्रॉस जीत रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज आएगी। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें, सो बी नेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बी नेट विल बी इक्वल्स टू बी क्रॉस वाला माइनस बी डॉट वाला, फाइन। सो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है जिसका एक्सप्रेशन हमारे पास म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर आ रहा है, जिसे हम म्यू नॉट बाय 4 पाई और आई बाय आर कॉमन ले सकते हैं एंड ऑफ कोर्स 2 भी कॉमन ले सकते हैं। सो ब्रैकेट में बचेगा पाई माइनस 1 विच इज 2.14, बिकॉज पाई होता है 3.14 समवेयर अबाउट, तो माइनस 1 करेंगे तो 2.14 ये ब्रैकेट आएगा। बट ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। एंड डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, डायरेक्शन इज हमने क्रॉस वाले में से माइनस करा डॉट वाले को, देयरफॉर डायरेक्शन इज परपेंडिकुलरली इनटू द पेज, फाइन, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। ये हमारी फाइनल डायरेक्शन है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में एक करंट आ रहा है स्ट्रेट एंड देन एंड पे वो दो सेमी सर्कल्स में एंटर करता है अलग अलग डायरेक्शन से, एक तरफ से एंटर करता है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ से एंटर करता है क्लॉकवाइज। तो सेमी सर्कल्स हैं दोनों, दोनों में सेम करंट है, दोनों का सेम रेडियस है, तो इस पॉइंट पे इन दोनों के थ्रू तो कोई कंट्रीब्यूशन बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आप मैक्सवेल राइट हैंड रूल लगाएंगे और कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को इस तरीके से ए टू सी थ्रू बी, ए टू सी थ्रू बी, तो आपका थंब जो है वो सेंटर पे आएगा अपवर्ड्स। वेयर एज अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली ए टू सी थ्रू डी, अगर ए टू सी आपने कर्ल करा थ्रू डी, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एट सेंटर इनवर्ड्स जाएगी। एक की वजह से आउटवर्ड जा रही है, दूसरी की वजह से इनवर्ड जा रही है सेम मैग्नीट्यूड की, तो इसका और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो कैंसिल हो गया, राइट। सो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड थ्रू
ए बी सी एंड ए डी सी कैंसिल आउट ईच अदर. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी बचेगी फिर इसके बाद ई टू ए और सी टू एफ की ही बचेगी, राइट. अब ई टू ए और सी टू एफ जो है वो एक राइट हैंड रूल से निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वायर है वो स्ट्रेट है और राइट हैंड रूल कहता है मैक्सवेल राइट हैंड रूल कि थंब को इसके अक्रॉस प्लेस करो और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ पर अपने फिंगर्स को कर्ल करके देखो. थंब को इधर प्लेस करके वहाँ कर्ल करके देखेंगे तो आउटवर्ड निकलेगा, राइट. तो ये निकला हमारे पास डॉट परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द पेज. और सी टू एफ में भी अगर आप थंब प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन में तो कर्ल करेंगे इस पॉइंट पे तो आपको फिंगर्स आउटवर्ड्स ही निकलते हुए दिखेंगे, तो ये भी डॉट. तो जब दोनों ही डॉट दे रहे हैं तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा. दूसरी बात, दोनों में ही करंट भी सेम है. तीसरी बात, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है. एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो दो एंगल्स होते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर में, इन दोनों के लिए ही एक एंगल जीरो है और दूसरा एंगल 90 है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनाइट साइड से आ रहा है हमें नहीं पता, और इन्फिनाइट साइड तक जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये वाला एंगल जीरो है और दूसरा वाला क्या होगा 90. तो एक्सप्रेशन ऐड होने वाला है, तो पहले बी निकाल लेते हैं हम लोग. सो बी हमारा निकलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर ब्रैकेट साइन 51 प्लस साइन 52. इस एक्सप्रेशन में हमें पुट करना है. सो हमने पुट किया बी इज इक्वल्स टू 10^-7. ये तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू हो गई. आई हो गया हमारा 5 एम्पियर अपॉन में रेडियस होगा ये, विच इज़ डिस्टेंस यही रेडियस है, विच इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हुआ 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05. नाउ ब्रैकेट में साइन 0 प्लस साइन 90. साइन 90 होता है 1 एंड साइन 0 होता है 0. 1 प्लस 0 1. तो ये तो एज इट इज़ रह गया, ये दो जीरो गए इधर, इसने इसको कर दिया 100 और 100 इसका 10^-5 दे रहा है. तो बी हमारे पास आ गया 10^-5 टेस्ला. अगर हम बात करते हैं बी नेट की, सो बी नेट जो है, ये जो है बी वो है थ्रू, वी कैन राइट थ्रू ई ए और सी एफ. सो थ्रू ई ए एंड सी एफ का एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें तो दोनों को ऐड करना है ना. तो बी नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नेट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी मीन्स 2 × 10^-5 टेस्ला, राइट. ये हमारे पास फाइनली बी नेट है, जिसका मैग्नीट्यूड तो ये है. डायरेक्शन की बात करेंगे सो डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलरली आउट ऑफ द पेज, क्योंकि डॉट से मेंशन करा हुआ है हमने, राइट. परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ये इसका सॉल्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास दो तरीके की बातें कही गई हैं. एक कि एक वायर है जिसकी स्ट्रेट लेंथ π/2 है, वेयर एज उसी वायर को हमने एक सर्कुलर लूप में भी बदला है. दोनों ही सूरतों में उसमें अगर करंट 5 एम्पियर निकल रहा है, तो पहले वाले स्ट्रेट वायर में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.01 टाइम्स ऑफ रेडियस, जो भी आपने वायर को सर्कल में बदला था उसका जो रेडियस है उसके 0.01 टाइम्स को करो और उतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और दूसरे वाले केस में जब सर्कुलर में बदल दिया तो सेम करंट फ्लो करवा के उसके सेंटर पे निकालो. सो यहाँ पर हम दो तरीके की बातें कर रहे हैं. सो एक स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ π/2 है, और इसी स्ट्रेट वायर के 0.01 टाइम्स ऑफ आर पे हमें निकालना है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें आर जो है वो इस सर्कल का रेडियस है और ये सर्कल बना है इसी स्ट्रेट वायर से, राइट. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल एंड लेंथ ऑफ दिस वायर दोनों क्या होंगे, सेम. तो उसके मदद से पहले आर निकाल लेते हैं हम लोग. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2πr इज इक्वल्स टू π/2 जो उसकी लेंथ है, जिसमें हम r बोल सकते हैं 1/4 मीटर है, 1/4 मीटर. ππ कैंसिल आउट हो गया. अब r निकलने के बाद और करंट हमें पता है, इन दोनों केसेस में करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. सो इसके लिए अगर हम ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास इसका जो डिस्टेंस है r डैश वो है 0.01 टाइम्स ऑफ आर, विच इज 0.01 × 1/4, विच इज समवेयर अबाउट 0.0 एंड देन 0.25 मीटर, राइट. ये आर है. वेयर एज अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ कितना है इसका, इसका लेंथ है π/2, विच इज
समवेयर अबाउट 1.57, समवेयर अबाउट 1.57। तो 1.57 के मुकाबले इसका जो डिस्टेंस है जितनी दूरी पे निकालना है उसके मुकाबले ये तो इन्फिनिटी हो गया, तो ये तो बहुत छोटा हो गया। तो क्या इसके लिए हम डायरेक्टली इन्फिनिट वाला फॉर्मूला लगा लें जिसमें हम b लिख सकें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π 2i/r', जिसमें ये लेंथ इन्फिनिट की तरह एक्ट करेगी। इसके लिए 10^-7 इंटू 2 इंटू करंट 5 होल अपॉन r डैश, कितना था हमारा r डैश था हमारा 0.0025, जिसमें पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ आएगा इंटू में 10^4, 5 इसको काटेगा 5 पे, 10 2 पे कटेगा, 2 × 4 इंटू 10^-4, 4 × 10^-4, ये हमारे पास इतना टेस्ला हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया स्ट्रेट वायर के थ्रू। और अगर सर्कुलर लूप की बात करें तो सर्कुलर लूप में सिंपल फार्मूला बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2r। सो म्यू नॉट होता है 10^-7 इंटू 4π इंटू आई है हमारे पास 5 अपॉन में r है हमारे पास 2 इंटू r है हमारे पास 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा या यू कहें 2 ऊपर चला जाएगा 8 हो जाएगा 5 8, 40 होता है 40 इंटू 3.14 इंटू 10^-7। ये बेसिकली हमारे पास इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके सेंटर पे। सो इधर भी अगर हम बात करें सो हमारे पास क्रॉस निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर भी हमने बात करी तो हमारे पास क्या निकला क्रॉस निकला इंटू द पेज। तो दोनों में मैग्नीट्यूड आपके सामने है और डायरेक्शन जो है दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वो इंटू द पेज है। यस ऑफ कोर्स ये इंटू द पेज इसलिए है क्योंकि मैंने करंट इसमें अपसाइड लिया और इसमें क्लॉकवाइज लिया। अगर करंट डाउनसाइड ले लेता तो ये आउट ऑफ द पेज हो जाता, करंट एंटी क्लॉकवाइज ले लेता तो वो आउट ऑफ द पेज हो जाता, राइट, इंटू द पेज नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पर मुझे करंट की कहीं कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करी है कि डायरेक्शन क्या रखनी है मुझे करंट की, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से रख के आंसर दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई इज बेंड इनटू द शेप एज शोन इन फिगर। द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द वायर हैज़ अ रेडियस ऑफ 10/π। तो जो सर्कुलर पोर्शन है उसका 10/π है रेडियस, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 meter फ्रॉम द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द वायर। What is the magnetic field of the magnitude of the magnetic field at the center? तो बेसिकली यहाँ पर एक हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा इस इन्फिनाइट वायर के थ्रू, दूसरा एक्सप्रेशन आएगा सर्कुलर कॉइल के थ्रू, एंड तीसरा जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास नहीं आ पाएगा क्योंकि इस वायर के लिए जो करंट कैरिंग डायरेक्शन है dl वेक्टर का जो डायरेक्शन है और r वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द सेम लाइन है, तो साइन ज़ीरो हो जाएगा विच इज़ ज़ीरो, फाइन। तो इस थर्ड स्ट्रेट वायर के थ्रू नहीं आएगा, फर्स्ट स्ट्रेट वायर के थ्रू आएगा, सेकंड सर्कुलर कॉइल के थ्रू आएगा, एंड थर्ड स्ट्रेट वायर के थ्रू नहीं आएगा ये। एंड डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेट वायर फर्स्ट वाले के थ्रू निकलेगी आउट ऑफ द पेज एंड सर्कुलर वाले के लिए निकलेगी इनटू द पेज। तो कौन सा ज़्यादा एग्जैक्टली वैल्यू है उसमें से हमें देख के माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम आउट ऑफ द पेज विच इज़ थ्रू स्ट्रेट वायर पाथ, इसका ये डॉट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मेंशन करेंगे, एंड देन हम इनटू द पेज विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर पार्ट उसका मेंशन करेंगे मैग्नीट्यूड, और फिर जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे हम क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। थर्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ है। सो जो स्ट्रेट वायर के थ्रू है वो तो फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है, म्यू नॉट बाय 4π सीधा सीधा 2i/r, जिसमें अगर हमारे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जाए तो 1 है, 10^-7 है इंटू 2 इंटू आई जो है हमारे पास करंट जो एंटर कर रहा है वो यहाँ पर हमारे पास मेंशन नहीं है तो आई को हम आई रख लेते हैं एग्जैक्टली सेम, एंड आर जो है वो 1 meter है। नाउ इट्स 2i इंटू 10^-7 tesla। बट अगर हम बात करेंगे आउटसाइड वाले की तो उसका एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट बाय 4π 2π i/r, जिसमें हमारे पास म्यू नॉट बाय 4π जो है वो 10^-7 है, 2 × π × i/r जो है उसका रेडियस है 10/π, सो पाई ऊपर चला जाएगा विच इज़ पाई स्क्वायर, एंड 2 10 को काट देगा 5 पे, सो इट्स पाई स्क्वायर i/5 इंटू
10^-7 टेस्ला। एंड क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पाई स्क्वायर हमें गिवन है कि हम 10 ले सकते हैं, राइट, तो यहाँ पर 10 × i × 10^-7 5 टेस्ला, विच इज सेम 2i × 10^-7 टेस्ला। सो ये जो रेड वाले पार्ट के थ्रू आया है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और जो स्ट्रेट वायर के थ्रू आया है, दोनों ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ रहे हैं, और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम बी नेट क्या लिखेंगे, हमारे पास बी नेट होगा बी आउट ऑफ द पेज माइनस बी इनटू द पेज, जिसके एक्सप्रेशन सेम है, तो हमारे पास नेट आंसर क्या आया, 0 टेस्ला। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड था इस फिगर के अंदर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ही रहेगा, एंड देन उसके बाद हम सोलेनॉइड्स के क्वेश्चन करेंगे, तो हम सोलेनॉइड्स के उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई करंट आई है जो कि फ्लो कर रहा है 3 इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर्स के साथ अक्रॉस एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। What is the magnetic field at a point 0, 0, -A? Fine. So वो जो point है वो point खुद z axis पे lie कर रहा है, तो z axis के through तो magnetic field इसे मिलेगी नहीं, वो तो हमें सीधा पता चल गया, तो BZ जो होगा वो क्या होगा, 0। सिंपल सी बात है, z axis के through कोई भी magnetic field नहीं मिलेगी इस particular point पे, क्योंकि ये खुद Z एक्सिस वाली वायर के ऊपर ही लाई कर रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर जो होती है वो जीरो होती है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर जीरो होती है। अब बात करते हैं X एंड Y की, क्योंकि लॉन्ग है तो बी एक्स का आंसर जो होगा वही बी वाई का आंसर होगा, दैट इज म्यू नॉट बाय 4π 2i/r, विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इसका Z एक्सिस पे वो a ही होगा, राइट। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन जो है वो अलग होगी, वो डायरेक्शन कैसे होगी उसको देखते हैं। सो मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो करंट है फ्लो कर रहा है उन सारी वायर्स में फ्रॉम देयर नेगेटिव एक्सिस टू द पॉजिटिव एक्सिस, फाइन। सो नेगेटिव एक्सिस से अगर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ फ्लो कर रहा है तो एक्स एक्सिस के थ्रू जो उसे डायरेक्शन मिलेगी, एक्स एक्सिस के वायर के थ्रू जो उसे डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस के थ्रू जो उसे डायरेक्शन मिलेगी वो मिलेगी टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ, ये हमारे पास डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है आपस में एक दूसरे के। तो बी नेट हमारा कैसे निकलेगा, बी नेट निकलेगा हमारा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, विच इज अंडर रूट ऑफ 2b² क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, यही है वो b, लेट्स से bx एंड by जो ये हैं वो इक्वल्स टू b है। सो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा b√2 बोलें या फिर म्यू नॉट बाय 4π 2√2i/a बोलें, बात क्या है, सेम। ये तो हमारा बी नेट है, लेकिन बी नेट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज इन एक्स वाई प्लेन, या तो ये बात बोल लें हम, या फिर और ज़्यादा प्रिफाइज सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा था और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था, और पॉजिटिव वाई एक्स और नेगेटिव एक्स एक्सिस के बीच में जो आता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट ही कहलाता है, राइट। लेकिन याद रखना ये सारी अजम्पशंस मेरी किसके ऊपर है, दैट स्टार मार्क पॉइंट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सिस टू पॉजिटिव एक्सिस ऑफ ऑल द डायरेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्शंस। सो करंट जो है वो नेगेटिव एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तभी ये सारी अजम्पशन एकदम करेक्ट है। और ये अजम्पशन मुझे लेनी क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं था कि करंट की डायरेक्शन क्या है, फाइन। ये क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट वायर पे ही ऑलमोस्ट डिपेंड कर रहा है, इसमें आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ तो यूज़ नहीं हो पाया। अब सोलेनॉइड की बात करते हैं, सोलेनॉइड पे क्वेश्चन यूज़ करते हैं जिसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज़ होगा। सो सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर
एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स. तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई लेंथ विच इज 500 डिवाइडेड बाई 0.5 विच इज 1000. सो 1000 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. तो हमारे पास करंट आ गया 5 एम्पियर. व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉल्वेंट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आंसर है हमारे पास. म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है 4π × 10⁻¹. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है हमारे पास 1000 एंड करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 एम्पियर. सो ये हमारे पास हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला. फाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास 6.28 इंटू 10⁻³ टेस्ला. एंड मैग्नेटिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द सॉलोनॉइड. एट द एंड पूछ लेते हैं तो हम इसी का हाफ कर देते हैं एट द एंड ऑफ द सॉलोनॉइड. यहाँ पर इस रेडियस का कोई रोल नहीं है, याद रखिएगा. समटाइम्स कुछ चीज़ें आपको दी होती हैं लेकिन उसका कोई रोल नहीं होता है. इस रेडियस का वैसे ही कोई रोल नहीं है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये भी सॉलोनॉइड के ऊपर डिपेंडेंट है. सो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सॉलोनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ 4 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 350 टर्न्स. राइट, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है जिसके पास 4 अलग अलग लेयर्स हैं वाइंडिंग की 350 टर्न्स ईच. रेडियस ऑफ लोएस्ट लेयर इज 1.4 सेंटीमीटर एंड इफ द करंट कैरीज दिस मच करंट एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड बी नियर द सेंटर ऑफ द सॉलोनॉइड ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑफ इट्स एक्सिस नियर इट्स एंड ऑन इट्स एक्सिस एंड आउटसाइड द सॉलोनॉइड नियर इट्स सेंटर. इन तीन जगहों पर हमें निकालनी है. बट पहले सो जैसा कि इसमें कहा है हमारे पास 50 सेंटीमीटर के अंदर 4 लेयर्स हैं 350 टर्न्स की. तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएंगे नंबर ऑफ लेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच लेयर. नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच लेयर डिवाइडेड बाय लेंथ. टोटल लेंथ कितनी है. राइट, तो ये हो गया 4 × 350 4 डिवाइडेड बाय 0.5. 50 सेंटीमीटर था 0.5 मीटर हो गया. नाउ ये हो गया हमारे पास 2800 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास 2800 हो गया. तो अब फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए निकालना बहुत आसान है जिसमें उन्हें हम पूछा है नियर द सेंटर ऑफ द सॉलोनॉइड. तो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई जिसमें म्यू नॉट है 4π × 10⁻¹ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 2800 एंड इंटू में हमारे पास आई है विच इज 60 एम्पियर. सो 4 × 22/7 × 10⁻¹ × 2800 × 60. सो हमारे पास 728 को काटता है 4 पे. 4 × 16 × 22 × 6 × 10⁻⁴ टेस्ला. इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ए पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारे पास. बी पार्ट का आंसर उन्होंने पूछा है नियर इट्स एंड ऑन इट्स एक्सिस. तो एट द एंड क्या होता है, नियर द एंड क्या होता है, उस मैग्नेट फील्ड का हाफ विच इज 8 × 22 × 6 × 10⁻⁴ टेस्ला. तो हमने इसी पहले वाले एक्सप्रेशन का क्या कर दिया, हाफ. आउटसाइड द सॉलोनॉइड नियर द सेंटर, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द सॉलोनॉइड. तो हम बोल सकते हैं बी इज negligible with respect to inside. तो inside के मुकाबले almost negligible है, तो almost zero है just outside the solenoid. Fine, magnetic field. ये हमारे पास तीन point है जिनको उन्होंने find करने के लिए कहा था. तीनों के answers हमारे सामने हैं. अब आपके पास homework है, homework जो कि magnetic moving charges and magnetism के अंदर आपको from page number 11 और 12 up to 23 तक आपको ये सब कुछ करना है. समझिए कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आपका हाफ पार्ट हो गया. रिमेनिंग हाफ रहेगा. अब हम जो रिमेनिंग हाफ में डील करेंगे या तो एक्सेलेटर से डील करेंगे या गैल्वेनोमीटर से या फिर फोर्सेस से. बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या फोर्सेज लगती हैं, किस पे फोर्सेज लगती हैं, इन सब पे डिस्कशन होगा नेक्स्ट रिमेनिंग हाफ में. Fine. Thank you for the class.